और उधर कमलनाथ के ग्वालियर चंबल दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दिया, कहा कि सरकार लोगों की जान बचा रही है और कांग्रेस आरोप लगा रही है। संकट के समय राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि सहयोग करें। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल का दौरा किया, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा उन्होंने किया है और इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया, कहा कि कांग्रेस को संकट के समय राजनीति नहीं करना चाहिए बल्कि सहयोग करना चाहिए। मुझे दौरे पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस जैसी जिस ढंग का व्यवहार कर रही है, अब कल गुना जिले में कलेक्टर, एसपी, पूरा प्रशासन, मेरे मंत्री और मैं स्वयं रात भर कुछ स्थानों पर जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जरूरी थे, गुना जिले में, अशोकनगर जिले में, विदिशा जिले में हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे, आम आदमी सुरक्षित निकाला जा सके, जनता सुरक्षित निकाली जा सके, और कांग्रेस केवल आरोपों की झड़ी लगा रही है, ट्वीट करते रहते हैं दिन भर बस, और वहां जिद कर रहे हैं गुना में कलेक्टर एसपी बचा रहे हैं लोगों को, और वहां ये कहा जा रहा कि नहीं कलेक्टर आके ज्ञापन लें, अब ज्ञापन लें कि लोगों को बचाएं, लेकिन संकट के समय राजनीति नहीं, मैं सबसे सहयोग की अपील करता हूं। वहीं इसके साथ ही मंत्रियों ने भी कमलनाथ के दौरे पर तंज कसा है। ये बल्लभ भवन नहीं है कमलनाथ जी, जब आप मुख्यमंत्री थे बल्लभ भवन के अंदर बैठते थे, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री दिन रात एक करके जान पर खेल कर बाढ़ पीड़ितों को कैसे मदद की जाए, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगे हैं। मध्य प्रदेश के हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जान पर खेल कर लोगों की मदद कर रहे हैं, तो अब उनको लग रहा है कि हम चलें इससे कुछ नहीं होगा। आपको कमलनाथ जी, ना आप चल फिर सकते, ना आप लोगों की मदद कर सकते, ना किसी प्रकार की सहायता कर सकते, आप केवल ट्विटर पर ही मदद कर सकते हैं। जब पूरी सरकार एक एक गांव घूम ली, अब उनका आने का क्या उचित है? जब पूरी सरकार एक एक गांव घूम ली, अब उनका आने का क्या उचित है? जब वो मुख्यमंत्री थे तब कहाँ थे? तब नहीं आए, और अगर है तो उड़न खटोला से नहीं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी गांव गांव गए, चप्पे चप्पे जाए ना, अब तो सिर्फ उनकी कुर्सी चली गई है, माननीय सिंधिया जी जा रहे हैं तो दौड़े दौड़े घूम रहे हैं, जब करने को थे, लायक थे,